फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक स्किन केयर। ये स्किन केयर फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आपकी स्किन के लिए। अगर आप अपनी स्किन को ब्राइटन करना चाहते हैं, वाइटनिंग इफेक्ट देना चाहते हैं अपने स्किन पर, जो आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कोई भी आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो पैचिनेस आ जाती है, अगर इन सबसे छुटकारा पाना है आपको तो ये फेशियल बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। इस फेशियल में फ्रेंड्स मैं यूज़ करूँगी एक मेन इंग्रेडिएंट, वो है कर्ड दही। जो दही होती है फ्रेंड्स, इसमें लैक्टिक एसिड होता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसमें मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट होते हैं जो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बना देगा और सपल बनाएगा। तो ये जो मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट जब आपके स्किन को मिलेगा तो ये आपकी स्किन से डेफिनेटली जो है ऑयल को भी कंट्रोल करेगा। जब ये ऑयल को कंट्रोल करेगा फ्रेंड्स तो आपके स्किन पर जो भी एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा हर प्रॉब्लम के लिए जो है ये फेशियल बहुत ही ज़्यादा मस्ट है। वैसे भी गर्मी का मौसम है तो ये कर्ड फेशियल जो है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपकी स्किन को बहुत सॉफ्ट करेगा, ब्राइटन करेगा। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। कोई भी आपको इसमें खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। इस फेशियल में घर पर ही आपके किचन में जो सामान अवेलेबल होता है उसी से ही हम फेशियल करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने अपने स्किन पर कोई भी मेकअप अप्लाई नहीं किया है, सिर्फ मैंने लिपस्टिक एंड काजल जो है अप्लाई की है। तो देखिए आप, ये कुछ भी मैंने नहीं लगाया है अपने फेस पर, तो नेचुरली जो है स्किन वाइटन लग रही है, ग्लो कर रही है। तो फ्रेंड्स इस फेशियल को आपको वीकली जो है 2 times यूज़ करना है। डेफिनेटली मैं आपसे चैलेंज करती हूँ कि आप इंस्टेंट रिजल्ट देखेंगे। अगर आप इसको 1 month तक रेगुलर करेंगे, मतलब वीक में 2 times करेंगे, तो इंस्टेंट आपको जो है ग्लो मिलेगा। 1 month के अंदर ही आप डेफिनेटली देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैंने इस फेशियल को किस तरह रेडी किया है और किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट स्टेप है हमारा क्लेंजिंग। इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ टोमेटो, हाफ टोमेटो लिया है मैंने, और इस पर 1 spoon मैंने कर्ड रखकर इस तरह से इसको अपने फेस पर मैं रब कर रही हूँ। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके फेस पर जितने भी इम्प्योरिटीज़ हैं, डर्ट है, वो अच्छे से रिमूव हो जाएगा। और फ्रेंड्स टोमेटो में जो है एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके फेस से डलनेस को रिमूव करेगा और जो भी आपके स्किन पर ओपन पोर्स होते हैं उसे श्रिंक करेगा और पोर्स को क्लीन भी करेगा, जिससे आपके फेस पर जो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है वो पूरी तरह से हट जाएगी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टमाटो हमारे फेस के लिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स मैं देखिए इसको अच्छे से रब कर रही हूँ अपने स्किन पर, अच्छे से डर्ट जो है रिमूव हो जाएगा और हमारा फेस जो है फेशियल के लिए तैयार हो जाएगा। इसलिए मैं पहले क्लिनजिंग कर रही हूँ। अब मैं इसे अपने फेस पर एक स्पंज की हेल्प से जो है रिमूव कर लूँगी। वेट स्पंज है ये, इसकी हेल्प से मैंने इसे रिमूव कर दिया है। जैसे जैसे फ्रेंड्स हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे आप देखते जाएंगे कि मेरी स्किन ग्लो कर रही है। नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स हमारा स्क्रब। इसके लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ शुगर पाउडर। मैंने ये चीनी को घर पर ही पीस लिया है। देन फ्रेंड्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 spoon कर्ड दही के, ऐड कर रही हूँ 2 spoon इसमें मैं। हाफ स्पून फ्रेंड्स मैं इसमें लेमन जूस ऐड कर रही हूँ और इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी। तो हमारा स्क्रब जो है फ्रेंड्स बनकर रेडी है। इसे अब हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स जो शुगर पाउडर हमने लिया है, शुगर हमारे स्किन को बहुत अच्छे से जो है एक्सफोलिएट करेगा। आपकी स्किन से जो आपके पोर्स में जो डर्ट होता है उसे भी अच्छे से रिमूव करेगा। तो शुगर पाउडर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप इसे अप्लाई करेंगे ना अपने स्किन पर एज अ स्क्रब, तो आप फील करेंगे कि आपकी स्किन टाइटन अप हो रही है, क्योंकि जो शुगर है ना फ्रेंड्स, जब वो गीली हो जाती है तो वो टाइट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे ही ये हमारे फेस पर भी वर्क करेगी। आप देखेंगे कि जब आप इसे लगाएंगे अपने फेस पर कि आपका फेस भी जो है, आपके फेस की जो स्किन है वो टाइट होनी स्टार्ट हो रही है।
तो ये आपके जो स्किन है उसको अच्छे से टाइटन अप करती है। और लेमन जो है फ्रेंड्स, इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है, ये आपकी स्किन को लाइटन अप करता है, ब्राइट स्किन देता है आपको, तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये आपकी स्किन के लिए स्क्रब। तो देखिए, मैं इसे अपने फेस पर जो है अप्लाई कर रही हूँ। जिनका फेस जो है फ्रेंड्स एलर्जिक होता है, वो भी इसको इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने शुगर पार्टिकल्स जो हैं वो नहीं यूज़ किए, मैंने शुगर पाउडर अप्लाई यूज़ किया है यहाँ पर, तो वो जो है कोई भी हार्श नहीं लगेगा सेंसिटिव स्किन पर, तो इजीली जो है आप उसे फेस पर लगा सकते हैं सेंसिटिव स्किन वाले भी। तो देखिए, मैं इस तरह से अपने फेस पर इसे रब कर रही हूँ, फिंगर टिप्स की हेल्प से अच्छे से करना है आपको। और फ्रेंड्स कोशिश यही कीजिए आप अपने पाम को यूज़ ना करें स्क्रबिंग के वक्त, क्योंकि पाम में जो है फ्रेंड्स हीट निकलती है, तो आप फिंगर टिप्स का ही यूज़ करें। तो अगर आप पाम का यूज़ करेंगे अपने फेस पर, तो इससे आपको एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप थी आपके लिए कि इस तरह से आपको जो है स्क्रबिंग करनी है, सर्कुलर मोशन में करना है, ज़्यादा स्टेप्स को ध्यान में नहीं रखना है, ओनली सर्कुलर मोशंस जो है वो आपको ध्यान में रखना है, एंड इस तरह से जो है आपको इस तरह से स्क्रब करना है। तो देखिए, आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे, आपकी स्किन ग्लोइंग होती जाएगी, इंस्टेंट आप रिज़ल्ट देखेंगे। तो देखिए, मैंने इसको जो है फ्रेंड्स एक स्पंज की हेल्प से इसी तरह रिमूव कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, अभी तो हमने स्क्रब ही लगाया है, तो मेरी स्किन जो है कितनी रेडिएंट लग रही है, ग्लो कर रही है। आगे आगे जब हम स्टेप्स और फॉलो करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं ये आपकी स्किन के लिए। सो फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप है हमारा यहाँ पर मसाज क्रीम। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 स्पून दही के ले रही हूँ मैं यहाँ पर, और 1 स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी फ्रेंड्स नॉर्मल जो हम आटा यूज़ करते हैं वो आटा मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और इसका आपको गाढ़ी कंसिस्टेंसी बनानी है, और इस तरह से इसको हमें मिक्स कर देना है। देखिए, अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि लम्स ना बने आपके बिल्कुल भी। तो अब हम इसे अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, ये एज अ मसाज क्रीम का बहुत अच्छा वर्क करेगी। आटा जो होता है आपकी स्किन को वाइटन अप करता है, आपकी स्किन को ग्लो देता है। तो इस तरह से देखिए, मैं इस पर अपने स्किन पर जो है इसे अप्लाई कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, ये जो मिक्सचर है ना, ये जब आप अपने फेस पर इससे मसाज करेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बहुत फ्रेश फील करेंगे। आपको फील होगा कि आपके फेस पर जो है जो एक्स्ट्रा सनबर्न है वो भी रिमूव हो रही है। तो फ्रेंड्स, जो हम कर्ड यूज़ कर रहे हैं अपने इस फेशियल में, ये आपके जो सनबर्न की प्रॉब्लम है ना, इसको भी अच्छे से रिमूव कर देगी। बट ये आपको डेली बेसिस पर अप्लाई करना है। सिर्फ 2 चीज़ें आपको डेली बेसिस पर अप्लाई करनी है, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको 2 चम्मच कर्ड लेनी है, और उसमें 1 स्पून आपको जो है एलोवेरा जेल अप्लाई करना है। आप चाहें तो फ्रेश एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, आप चाहें तो जो रेडीमेड एलोवेरा जेल आता है उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और डेली आपको उस पर 2 से 3 मिनट मसाज करनी है, तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी सनबर्न की प्रॉब्लम भी ख़त्म हो गई है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने जो है इसको क्रीम को वॉश कर लिया था और क्लीन कर लिया है टॉवल की हेल्प से। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फ्रेंड्स फेस मास्क। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कर्ड, और साथ में मैं इसके साथ ऐड करूँगी बेसन। 2 स्पून बेसन ऐड किया है मैंने यहाँ पर। साथ में मैं इसके ऐड करूँगी 1 स्पून हनी। इन सबको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है, और इसमें भी लम्स ना बने। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हमारा जो फेस मास्क है वो बनकर रेडी हो जाएगा। इसे हम अपने फेस पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए, हमारा जो फेस मास्क है वो बनकर रेडी हो गया है। फ्रेंड्स, बेसन जो है ना आपकी स्किन को रेडिएंट बनाता है, आपकी स्किन को हेल्दी बनाता है, तो बहुत ही जो है हेल्पफुल होता है ये आपकी स्किन के लिए। आपकी स्किन को टाइट भी बनाता है, रिंकल फ्री बनाता है आपकी स्किन को। आपके स्किन पर जितने भी रिंकल्स होते हैं उसको टाइटन अप करता है आपकी स्किन को, तो बहुत ही अच्छा होता है बेसन तो आपकी स्किन के लिए। तो इस तरह से देखिए, मैं मास्क को ब्रश की हेल्प से अप्लाई कर रही हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से जो हमने इसमें हनी ऐड किया है, हनी का तो फ्रेंड्स मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में जो है शेयर किया है, हनी तो बहुत हेल्पफुल होता है हमारी स्किन के लिए। आपकी जो अगर ड्राई स्किन है तो उसको अच्छे से मॉइस्चराइज़ करेगा। इवन ये ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एंटीबैक्टीरियल का वर्क करता है। आपके स्किन से एक्स्ट्रा ऑयल हटाता है, एक्स्ट्रा डर्ट हटाता है, तो एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम को भी जो है रिमूव करता है। तो पहले मैं इसको स्पंज की हेल्प से जो है रिमूव कर रही हूँ, देखिए आप फ्रेंड्स। अब मैं इसे अपने फेस को जो है वॉश कर लूँगी, तो मैं वॉश करके आती हूँ। तो देखिए आप फ्रेंड्स, देन मैं सॉफ्ट टॉवल की हेल्प से अपने फेस को इस तरह से डैप डैप करके जो है क्लीन कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, आप डिफरेंस देख सकते हैं मेरी स्किन में। जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तो मेरी स्किन पे थोड़ी सी डलनेस लग रही थी, बट मुझे फ्रेंड्स सच में बहुत अच्छा फील हो रहा है ये करने के बाद। लास्ट है हमारा फ्रेंड फेस सीरम, बहुत ही सिंपल है इसे बनाना। 3 to 4 ड्रॉप्स आपको इसमें दही लेनी है, और इसमें आपको 1 स्पून ऐड करना है कोकोनट ऑयल। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ्रेंड्स मुझे कोकोनट ऑयल स्किन के लिए बहुत बेस्ट लगता है। अगर आपको कोकोनट ऑयल सूट नहीं करता है तो आप ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसे देखिए फिंगर की हेल्प से जो है अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। देखिए आप, ये फ्रेंड्स आपकी स्किन पर एज अ टोनर भी वर्क करेगा, क्योंकि ये आपके स्किन पे जो ओपन पोर्स होते हैं उसे अच्छे से श्रिंक कर देगा। तो ये ऑल ओवर आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम्स है ना, उसको अच्छे से फिनिश करने वाला है ये फेशियल। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरी बात मानिएगा, इस फेशियल को ज़रूर करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ मैं स्टेप्स आपको करके दिखा रही हूँ मसाजिंग के वक्त। ये 3 to 4 स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं। इस तरह से आपकी डबल चिन कम होगी, अच्छे से जो आपकी स्किन है वो टाइटन अप होगी, और आपके आईज़ के पास भी रिंकल्स होते हैं ना, तो इस तरह से उसको स्ट्रेच करने से, आपने देखा होगा वीडियो में मैं कर रही थी, तो आपके जो आईज़ के पास रिंकल्स है ना, वो भी अच्छे से जो है रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैं अपनी स्किन पर जो है अपने हैंड की हेल्प से इस तरह से इस पर मसाज कर रही हूँ। इससे आपकी स्किन टाइटन अप होगी, आपकी जो फेस पर रिंकल्स हैं वो भी हट जाएंगे। तो इस तरह से आपको टोनर की हेल्प से ये मसाज करनी है जो हमने सीरम बनाया है, देखिए आप। तो फ्रेंड्स अच्छे से मसाज करेंगे तो बहुत ही अच्छा वर्क करेगा ये, देखिए आप फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्टीम देना, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ एक जो आपको टॉवल लेना है, मैं यहाँ पर टॉवल हैंकी यूज़ कर रही हूँ। गर्म पानी में इसको डिप करना है आपको, और अपने फेस पर 2 मिनट के लिए ऐसे रखना है। ऐसे आपको 2 से 3 बार करना है फ्रेंड्स। इससे आपके फेस पर जो है स्टीम मिलेगी, अच्छे से जो ऑयल हमने लगाया है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा आपकी स्किन पर, और आपकी स्किन बहुत ही रेडिएंट ग्लोइंग लगेगी। आप इसको जो है सिर्फ ये दोनों चीज़ों को रात को भी लगाकर सो सकते हैं, और सुबह गर्म पानी से वॉश कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने फेस को जो है वॉश कर लिया है, इंस्टेंट ग्लो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करना, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोज़ को देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।